दलित डेस्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दिए, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। जय भीम साथियों, मैं साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं दलित डेस्क। पूरे देश भर में कोरोना वायरस COVID-19 की लहर फिर एक बार जो है उफान मारती हुई नज़र आ रही है, और बीते कुछ दिनों से लगातार 2 लाख 2.5 लाख ऐसे केसेस हर रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं और हज़ारों की तादाद में जो है लोगों की जान जा रही है। ये देखिए, वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक शमशान घाट की वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और वीडियो वायरल होने के बाद इस शमशान घाट को जो है टिन की जो शेड होती है उससे इस शमशान घाट को ढक दिया गया। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, और अगर लोगों की जाने जा रही हैं तो उनको लकड़ियां नहीं मिल रही है शमशान घाट में जलाने के लिए। 10-10 घंटे 15-15 घंटे जो है उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसी बीच इन सब चीज़ों पे देश में इतनी भयानक स्थिति, भयावह स्थिति जो पैदा हो रही है, इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल में रैलियां करते नज़र आ रहे हैं। बीते शुक्रवार को गृहमंत्री जी के 4 रोड शो हुए, और 17 तारीख को जो शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई और एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी सभा उन्होंने कभी नहीं देखी, और ऐसी सभा वो पहली बार देख रहे हैं। जबकि उस रैली में आपको और हमको सभी को पता है कि कोई पॉलिटिकल रैली होती है तो उसमें कितना जो है पालन हो पाता है सोशल डिस्टेंसिंग का, और कितना पालन हो पाता है मास्क का, मास्क लगा रहे थे, लाखों की तादाद में लोग जो है रैलियों में जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है और किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ नहीं हो रहा है। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दिए, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग पहली बार देखकर किसी ऐसी सभा में वे खुश हैं, और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन की ज़रूरत है। पूरे देश भर में कोरोना की स्थिति इतनी ख़राब है कि हर रोज़ हज़ारों लोग जो हैं जान गंवा रहे हैं। अगर आप ट्विटर पर देखें, सोशल मीडिया पर मदद की गुहार के लिए पूरा सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। हर कोई मदद की गुहार लगा रहा है, कोई बेड के लिए, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए,
कोई दवाइयों के लिए, इसी बीच कितना सही है लाखों की तादाद में जो रैलियां हो रही हैं, पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री उन पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें खुशी है कि ऐसी सभा उन्होंने पहली बार देखी है, और जितनी दूर तक नज़र जाए उतनी दूर तक लोग ही नज़र आ रहे हैं। इस कोरोना की स्थिति को देखकर पूरे देश भर में आपको सवाल करने की ज़रूरत है, क्या पूरे देश भर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, एम्बुलेंस की कमी है, लोगों को वेट करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल से लोग शमशान घाट तक नहीं जा पा रहे हैं, घर से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, एम्बुलेंसेस की कमी है, तो क्या देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है? आपको ये सवाल करना होगा और सोचना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। मैं साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं दलित डेस्क। जय भीम, जय भारत।